देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। कानपुर के गोविंदनगर के रहने वाले एक दबंग मकान मालिक की दबंग गई देखने को मिली। दबंग मकान मालिक नहीं मानता पीएम सीएम की अपील, करता है अपनी मनमानी। उसके मकान में रह रहे कुछ युवक किराए पर रहकर नौकरी कर रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से यह अपने शहर नहीं जा पाए और यहीं रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे कि आज शनिवार को मकान मालिक द्वारा युवकों की रहने वाली जगहों की बिजली पानी की सप्लाई बंद की गई और नलों की टोटियां काटी गई। बिजली का बिल न जमा कर पाने पर दबंग मकान मालिक ने दिखाई दबंगई। पुलिस ने उल्टा पीड़ितों को फटकारा। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाई आपका क्या बात हो गई आज यहाँ पे? जैसे सर हम लोग जैसे आया था रूम, मतलब बिजली बिल आया था, तो बोले कि ऐसा बिजली, हम बोले आंटी जी पैसा नहीं है, अभी 1000 ले लीजिए या फिर 2 दिन बाद हम दे देंगे, जान के लॉकडाउन हम लोग का काम सब बंद है, पैसा रुपया है नहीं। तो बोली कि ऐसा है कि 4-5 मोबाइल दे दो, हम तुमसे मांगेंगे नहीं, रहो। अब बताइए मोबाइल नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बात करेंगे घर पर, घर का खबर कैसे मिलेगा लोग, हमारा लड़का कैसा है? नहीं, आज जो यहाँ पे भीड़ जमा हुई थी, आप लोग कितने लोग यहाँ पे रहते हो? हम लोग 10 से 11। कितने समय से रह रहे हो? कम से कम 6 महीने। तो यहाँ पे 6 महीने से ये समस्या आपकी कब से आ रही है? ये समस्या 2 दिन से आ रही है। 2 दिन से? तो 2 दिन में आपसे मकान मालकिन ने क्या बात कही आपसे? यही बात कही है कि ऐसा है कि बिजली बिल नहीं दे रहा, हम लाइट कटवा दे रहे हैं, जब बिजली बिल दोगे तभी लाइट लगाएंगे। तो आपने ये सूचना नजदीकी पुलिस वगैरह प्रशासन को दी? यस सर। तो उसमें आपकी क्या मदद की गई? सर बोले थे कि शाम को आएंगे, तो सर नहीं आए, तो वही आज देखे हैं, भीड़ हुआ था। तो आपकी मेन समस्या क्या है आज? बस सर हमारा समस्या यही कि पानी और बिजली बस। अच्छा, खाने को लेकर भी यहाँ कोई चर्चा चली, कोई खाने की समस्या है? नहीं नहीं, खाने की समस्या था तो अब मान लीजिए सुविधा मिल रहा है, तो इसलिए खाने की समस्या नहीं, बस हम लोग को बिजली और पानी की सुविधा है। हम देवरिया के रहने वाले हैं। अच्छा, सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे आपने बताया कुल 11 लोग हैं, तो 11 लोग कहाँ के? मुंबई के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, देवरिया के रहने वाले हैं। हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं। कंपनी का नाम होगा? कंपनी नाम क्या नाम है? ग्लेड ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अभी पुलिस आई है तो पुलिस ने भी अभी आपको कोई आश्वासन वगैरह दिया है कि अभी आपकी क्या मदद करेंगे? सर बोले हैं कि ऐसा है कि हम सुविधा कर देंगे, घर छोड़वा सकते हैं।